सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हो गए, ये है रास्ता, वो देखो वहाँ से, वहाँ से सीधा ऊपर। अभी तक तो इतना, अभी तक इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, पर थोड़ा सा है। इतनी सारी स्टेयर्स अभी हमने ऊपर चढ़ी हैं, मेरा लेग्स वर्कआउट आज लग जाएगा जो मैं लगा के नहीं आया। घोड़ा घोड़ा घोड़ा, ये यहाँ पर घोड़े वाले खड़े हैं, पता नहीं क्या रेट लेंगे, बट मैंने पूछा नहीं क्योंकि अब जब मन बना लिया है पैदल जाने का तो पैदल जाएंगे। बाकी अभी कुछ पता नहीं है, अभी देखते हैं, हो सकता है तो जितना उधर चले। ये इसका थोड़ा सा मूड कर रहा है कि हम हेलीकॉप्टर पे या घोड़े पर जाएं, क्योंकि हाँ देखते हैं कितना चल पाते हैं, थोड़े से थक गए हैं। आपने कहा था 2 किलोमीटर है ना भाई? 2 गज में ज़्यादा चल रही है ये भाई, थक गया, ये कह रहा है हेलीकॉप्टर करना है, देखते हैं ऊपर जाके। ये देखो क्या आ गया, झरना। चलो उसके पास उसे बाइक पर आती ना वाटर क्रॉसिंग, उस तरह से चलो। अभी हमें कोई बंदा मिला, वो कहता है शाम के 3-4 बजे पहुँचेंगे। ज़्यादा लेट है यार। नहीं भाई, तुम्हें 2 बजे पहुँचाऊँगा, 2 बजे। वो बाइक नहीं है जो आप चला के पहुंचा दोगे, तो मैं भगा के लेके जाऊं। ओनली मैन पावर, मैन पावर बहुत है, मैन पावर देखते हैं। बाकी मैन शाम की आरती है, हाँ उसको ही देखना बस। दिल्ली गाइस, दिल्ली से हूँ। जय महादेव। ओके, दिल्ली से हूँ, कह रहे जय महादेव। जय महादेव। हमने पिया यहाँ पे अभी नींबू पानी। देखो सामने बर्फ वाला पहाड़, ऊपर जाके देखिए बर्फ तो। जगदीश नींबू मिलवा रहा हूँ पानी में। कितने किलोमीटर हो गए सिद्धांत? कितने किलोमीटर हो गए आगे? अब होगा क्या कहते हैं तेरा, 13 किलोमीटर और। ओ यार, अभी 13 किलोमीटर और पड़ा है, थोड़ा सा रुके रेस्ट करने के लिए। हमारा एक बंदा पीछे रह गया, वो थोड़ा बहुत स्लो चल रहा है भाई, जिसने कहा था कि हेलीकॉप्टर करना है, हेलीकॉप्टर नहीं किया, उसे हम लेके जा रहे हैं पैदल। बोतल भी भरवा ली हमने, काम आएगी। मस्त आवाज आ रही है, लेकर ठंडा हो गया, अब चलते हैं। 10 किलोमीटर रह गया, डकार आ गई। चलो
भैया 5 किलोमीटर सीरियसली यार, ऐसे मत बोलो यार। 4000 मत बोलो। अगर शॉर्टकट से जाए तो पहुँचोगे? नहीं, अगर हम लोग वैसे भी आराम आराम से भी जाएँ 2 घंटे में पहुँचेंगे। कहाँ पहुँचना? तो जल्दी पहुँच जाएंगे। वहाँ तक ड्राइव बस है, उसके बाद सीधी नीचे। थैंक यू भैया। तो हमें मिली थोड़ी सी बर्फ जमी हुई, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले बर्फ पड़ी थी, काफ़ी गंदी हो चुकी है। थोड़े वहन का जा रहा यूँ आपके सामने, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। यहाँ पे थोड़ा लेक्चर स्टेशन मिलेगा, क्योंकि नीचे का है रास्ता। अभी यहाँ पे जा रही है ठंडी ठंडी हवा, मस्त रात का होगा माइनस टेम्परेचर। तो फाइनली हम बेस कैंप पहुँच चुके हैं, व्यू आपके सामने एकदम अमेजिंग। नियर टू केदारनाथ। हम नीचे आगे हैं वही केदारनाथ बाबा जी का टेंपल, देखते हैं अभी वहाँ जाते हैं या कल सुबह, क्योंकि अभी वहाँ शायद आरती का टाइम है और बंद होने का समय है, देखते हैं बाकी क्या होता है। ठंड -5 के आसपास टेम्परेचर होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि हाथ सुनो अभी से पड़ रहे हैं। देखते हैं रूम का जुगाड़ करते हैं आज रात का, मिलेगा या नहीं, क्योंकि नीचे से हमें पता लगा था कि नहीं है, पर फिर भी देखते हैं। हाँ जी भैया, आगे हम केदारनाथ में। कितनी ठंडा है? बहुत ठंडा वो अचार है, बहुत ठंडा है, माइनस होगा भाई। धुएं नहीं कर रहे हैं, दिख रहे हैं या नहीं कैमरा में पता नहीं। अभी खाने पराठे, शाम के बज रहे हैं 7 या 7:30, हमने अभी कैंप लिया यहाँ पे। सुबह चलेंगे हम मंदिर, अभी तो नहीं, आज तो नहीं जाएंगे क्योंकि रात हो गई काफ़ी। ये रहा यहाँ पे हमने खाया, आज का पूरा दिन ट्रैकिंग में गया, बहुत डिफिकल्ट पर मजा आ गया, मजा आ गया। मेरे भाई ने बहुत अच्छा किया। भाई की रहने दो, सबसे आगे था, मैंने सबसे बेकार किया भाई, मैं सबसे पीछे था, सबसे पीछे मैं था, इसलिए भैया भी लेट हो गए, वरना ये लोग तो पता नहीं ऊपर ही चले। जो था पीछे था, अब आगे था, अब तो पहुंच गए ना, बात खत्म। अब वापसी का देखेंगे कौन आ गया कौन पीछे है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ये हमारा सुशांत सिंह राजपूत नए रूप में वो कहाँ अंपी तो उठा रखी थी।